डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया टोप्पो, प्रस्तुत है समाचार। कांडी से हमारे संवाददाता विवेक चौबे की रिपोर्ट। जेल से निकलने के बाद घर वापस लौटे मुखिया प्रतिनिधि, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। जेल की हवा खाने के बाद एक नेता की तरह दिखा मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना ठाकुर। जेल से निकलने के बाद लोगों में नया जोश व नया उमंग भर जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खरौंदा के मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना ठाकुर की। वे 2.5 महीने से अधिक यानी 83 दिन बाद बुधवार को जेल से सीधे घर वापस लौटे। गौरतलब है कि ठाकुर की वापसी पर पंचायत के सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने उनका भव्य स्वागत किया। विदित हो कि खरौंदा गाँव स्थित विजय राघव मंदिर विवाद में गांव के लड़कों के साथ मारपीट के मामले में कांडी पुलिस ने 21 मार्च की रात गिरफ्तार कर मुन्ना ठाकुर को जेल भेज दिया था। बुधवार की शाम गांव पहुंचते ही मुन्ना ठाकुर ने सर्वप्रथम मंदिर जाकर भगवान का स्मरण कर आशीर्वाद लिया। उपस्थित लोगों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान लोग लगातार मुन्ना ठाकुर की जयकारे भी लगा रहे थे। वहीं उपस्थित लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करना भूल गए। ठाकुर ने कहा कि मुझे साजिश के तहत फंसाया गया, किंतु मुझे न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास था, मुझे न्याय मिला भी। उन्होंने कहा कि जिस मंदिर निर्माण के कारण मुझे फंसाया गया था, उसे मैं अवश्य ही पूरा करके रहूंगा। खरौंदा का विजय राघव मंदिर हमारे कांडी प्रखंड का धरोहर है, जिसे सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से फैली वैश्विक महामारी में मुझे हमेशा मेरे पंचायत वासियों की चिंता सता रही थी। मैं जेल में भी सभी लोगों को काफ़ी याद कर रहा था, कभी कभी रो भी लिया करता था। साथ ही मुन्ना ठाकुर ने लोगों को मास्क का इस्तेमाल करने व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने को आग्रह किया। वहीं 500 मास्क लोगों के बीच वितरण भी किया गया। मौके पर खरौंदा पंचायत समिति सदस्य बली मेहता, लालू मेहता, गाड़ा खुर्द पंचायत मुखिया प्रतिनिधि नीरज सिंह, बाल किशन सिंह, मुनेश्वर पासवान, राजेश गुप्ता, अजय पासवान, सचितानंद सिंह, बीना देवी, कविता, सबिता देवी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। विरोधी लोग मुझे गलत साजिश में फंसाया गया। हमने भगवान श्री राम का मंदिर बनाते कोई गलत काम नहीं कर रहा था। करने के बाद लोग उत्साहित जबरदस्ती मतलब साजिश के तहत हमको भेजा गया। इससे हमको ये खुशी हुई कि भगवान के कार्य में हमने जेल गया, लेकिन हमारे न्यायपालिका अच्छी मतलब जजमेंट किया। उन्होंने दो तारीख को कोर्ट खुला, 4 दिन के अंदर मुझे न्याय उचित न्याय देकर जमानत पर छोड़ा गया। मैं न्यायपालिका को भी धन्यवाद देता हूं, और जो हमारे साथ जो आए हुए ये जो हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, इन लोग का प्रेम देखकर काफ़ी हर्षित हूँ मैं। और मैं एक चीज़ ये भी बताऊं कि जो हमारे माताएं बहने और जो बुजुर्ग हैं, सच पूछा जाए तो मैं जेल में भी इनकी बहुत याद मुझे सता रही थी। कभी कभी मैं सोचता था कि हमारे गांव के लोग नहीं है, मैं क्लब भी जाता, रो भी लेता था कहीं बैठ के, लेकिन वहां सुनने वाला नहीं था, लेकिन विश्वास था भगवान पर, न्यायपालिका पर विश्वास था। मुझे उचित मतलब न्याय करके जमानत दिया गया। और मैं ये भी बता दूं कि ये नहीं कि मैं जेल चला गया तो मंदिर का कार्य रुक जाएगा, मंदिर कार्य फिर होगा, पूरा काम होगा। तो ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड यूट्यूब एवं माँ उग्रतारा नेटवर्क के चैनल नंबर 130 पर। हमारे चैनल यूट्यूब फेसबुक पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें, साथ ही साथ लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।